एमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी को आज हैदराबाद की एमपी एमएलए कोर्ट ने 15 मिनट पुलिस हटा लो देख लेंगे वाले भड़काऊ बयान में इस केस में बरी कर दिया। 2012 में खुले मंच से हजारों की भीड़ के सामने भड़काऊ भाईजान ने जो बयान दिया था कोर्ट में उसे लेकर जो सबूत पेश किए गए वो कोर्ट को नाकाफी साबित हुए। हाँ, कोर्ट ने अकबरुद्दीन ओवैसी को आज एक चेतावनी जरूर दी, वो ऐसे भड़काऊ बयान ना दिया करे, ऐसे बयान देश के लिए ठीक नहीं है। 2012 में हेट स्पीच का ये वही मामला था जिसे लेकर ओवैसी जेल भी जा चुके हैं, हालांकि बाद में जमानत पर रिहा होकर वो बाहर आ गए थे। आज जब अकबरुद्दीन ओवैसी के बरी होने की खबर आई तब असदुद्दीन ओवैसी राजस्थान में करौली के रास्ते में थे। ओवैसी का बयान भी हम आपको सुनाएंगे, लेकिन पहले सुनिए वकील ने क्या कहा। इन्वेस्टिगेशन करना और एविडेंस लाना और एविडेंस कोर्ट में लाना, इधर का थोड़ा उधर का थोड़ा कलेक्ट करके कंटिन्यूअस स्पीच को नहीं बल्कि इधर उधर के कोने कोने की स्पीचेस को लाके जो है कोर्ट के सामने पेश किए, जो कि रेगुलर कंटिन्यूएशन नहीं है स्पीच का, जो पार्ट्स पार्ट्स जो है लाके कोर्ट में जो है दाखिल किए गए। और ऐसा है कोर्ट में जो है एविडेंस चलता है, ये कोई ऐसा कोई ट्रायल नहीं है कि इसमें बगैर एविडेंस के, एविडेंस जो है साबित नहीं हो सका जिसके लिए जो है कोर्ट एक्विटल दिया है। सबूतों के अभाव में भड़काऊ भाईजान को आज बड़ी राहत मिली। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि ये जनता की दुआओं का असर है। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि अल्लाह का शुक्र है कि अल्हम्दुलिल्लाह अकबरुद्दीन ओवैसी साहब को एमपी एमएलए ट्रायल कोर्ट ने उनको बरी किया है। और मैं हमारे पूरे वकलाओं की टीम का, ख़ास तौर से अब्दुल अजीम साहब का और उनके तमाम जूनियर्स का और जो सीनियर लॉयर्स हैं जिन्होंने बड़ी हमारी मदद की हमको इस लीगल केस में, मैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। आवाम की दुआएं आज कारामत साबित हुई हैं, अल्हम्दुलिल्लाह जनाब अकबरुद्दीन साहब इस केस से बरी हुए। सर, एक हैदराबाद में कोर्ट ने छोटे ओवैसी भाईजान को हेट स्पीच केस में बरी कर दिया है। दूसरी तरफ बड़े भाईजान असदुद्दीन ओवैसी ने करौली केस में फुल हिंदू मुसलमान करने का एजेंडा इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया है। करौली में जो कुछ भी हुआ वो केवल केवल सरकार की नाकामी है, ये ओवैसी का कहना है। ओवैसी साफ साफ कह रहे हैं कि दंगा होना था, ये सरकार को भी पता था, लेकिन सरकार ने सब कुछ होने दिया। सुनिए जयपुर पहुंचने के बाद क्या बोले ओवैसी। ये वाकया, ये दंगा नहीं होता अगर अशोक गहलोत की सरकार नहीं चाहती। ये इनकी सरासर नाकामी है। इनके पास पूरी रिपोर्ट्स थी कि दंगा होगा और जो प्रोसेशन का परमिशन इन्हीं सरकार ने दिया, इनको मालूम था कि ऑब्जेक्शनेबल इसमें गाने लगाए जाएंगे तो उसको फौरन रोक सकते थे। और इनकी सरासर नाकामी की वजह से आज हम देखते हैं कि लाखों करोड़ रुपये का माली नुकसान उन गरीबों का हुआ है, घर जला दिए गए, किसी की दुकान जला दी गई। अगर अशोक गहलोत की सरकार इंसाफ पसंद है तो हम उनसे मुतालबा डिमांड करते हैं कि एक इंक्वायरी कमीशन बनाए और जिसका भी नुकसान हुआ है फौरन सरकार उनके नुकसान की पाछपाई करें ताकि वो कारोबार दोबारा अपना कर सकें और इंसाफ करें कि कौन है इसके पीछे, कैसे इतनी बड़ी घटना हुई, इतना बड़ा दंगा हुआ, कौन है इसके पीछे, इतना बड़ा दंगा आखिर भड़का कैसे। आपने सुना असदुद्दीन ओवैसी को, वो करौली पहुंच रहे हैं। और इधर हमारे साथ आज चर्चा में शामिल हो रहे हैं चार बेहद खास मेहमान। केके शर्मा, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट विष्णु जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं, विष्णु जैन जी का भी स्वागत है। पूर्व यूपी डीजीपी ओपी सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत सर आपका भी। असीम बकार AIMIM की ओर से पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। और थोड़ी देर में एक और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, जब जुड़ेंगे तब मैं उनका भी तारुफ आपके साथ करवा दूंगी। फिलहाल देखिए जो मसला है के शर्मा जी, राजस्थान का वो मसला बड़ा संगीन है। आज की तारीख में जब अकबरुद्दीन ओवैसी हेट स्पीच के मामले में बरी हो जाते हैं क्योंकि सबूतों का अभाव था और कोर्ट तो सबूतों के आधार पर ही अपना फैसला सुनाती है, ठीक उसी वक्त असदुद्दीन ओवैसी करौली में ये आरोप लगाते हैं कि जो कुछ हुआ वो सरकार की नाकामी का नतीजा है। अब दो पक्ष मुझे इसमें दिखाई देते हैं। एक तरफ तो वो ये कहते हैं कि हेट स्पीच थी ही नहीं जो अकबरुद्दीन ओवैसी ने दिया,
और वहीं दूसरी तरफ वो ये कहते हैं कि करौली में जो कुछ हो रहा है वो सरकार की नाकामी है। देखिए मीनाक्षी जी, कोर्ट का क्या निर्णय है उस पर तो जो यहाँ पर कानूनविद लोग बैठे हैं वो अपनी राय रखेंगे कि उसमें क्या विषय था, क्या नहीं था और कौन केस उनके विपक्ष में लड़ रहा था, किनको सबूतें देना था, वो सारा विषय वो रखेंगे। मैं तो करौली की घटना पर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, ओवैसी साहब बोल तो रहे हैं वहाँ पर, बिल्कुल सही कह रहे कि अशोक गहलोत की सरकार द्वारा वहाँ एक एक प्रायोजित जो है सांप्रदायिक हिंसा करवाई गई, क्योंकि उसके कई प्रमाण अब मौजूद हैं, स्पष्ट हैं। मैं एक पत्र आपको दिखाना चाहता हूं, ये पत्र 1 जुलाई का है, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का। ये पत्र लिखा था वहां के प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद आसिफ ने, और ये पत्र लिखा गया था अशोक गहलोत जी को। जो जो बातें इसमें कही गई थी वो सब बात 2 तारीख को वहाँ पर घटी, लेकिन आज जब ओवैसी साहब इस बात की चर्चा कर रहे थे, बड़े अपने को वो संभाव के प्रतीक समझते हैं, जैसे वो लगता है कि वो सबके जो है गॉडफादर वही बने पड़े हैं, तो आज वो एक चीज़ भूल गए राजस्थान में कि राजस्थान की सरकार आज हमें आश्चर्य है कि वहाँ क्या एक कोई लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार चल रही है या राजस्थान में मुगलों की सरकार चल रही है। मैं ये बात बहुत गंभीरता से बोल रहा हूँ, क्योंकि आज एक आपने समाचार पत्रों में पढ़ा होगा कि एक आदेश जो है वहाँ पर निकाला गया है पिछले 7 अप्रैल से राजस्थान सरकार द्वारा कि आप अपने घर में धर्म ध्वज नहीं लहरा सकते, आप छतों से शोभा यात्रा नहीं देख सकते, आप अपने घर में भजन कीर्तन नहीं उससे लाउड स्पीकर लगा के नहीं बजा सकते, आप जो है मतलब इस तरह से तमाम पाबंदियां वहां पर लगाई गई हैं धारा 144 को यूज करते हुए कि आप ऐसा नहीं। सर आप ये पूरा ऑर्डर पढ़ रहे होंगे तो मैं इसमें आपसे एक और चीज जानना चाह रही हूं, क्योंकि ऑर्डर की कॉपी आपके पास है, क्या इसमें केवल एक धर्म के लिए बोला गया है या इसमें सभी के लिए बोला गया है कि लाउड स्पीकर फिर कहीं पे भी नहीं लगेंगे, ना घरों पे लगेंगे, ना मंदिर में लगेंगे, ना मस्जिद में लगेंगे, ऐसा भी कुछ है क्या इसमें? लाउड स्पीकर के कानून अलग बने हुए हैं, उसमें कोई विषय नहीं है, जिस डेसिमल पे बजना चाहिए उसका कानून ऑलरेडी है मीनाक्षी जी, उस विषय नहीं है। लेकिन क्या हम अपने घर में धर्म ध्वज नहीं लगा सकते? क्या हम शोभा यात्रा अपने घर के छतों से खड़े होकर नहीं देख सकते? क्या शोभा यात्रा नहीं निकाली जाएंगी? नंबर वन। और ये कैसे, मैं जो आप कह रहे हैं एक धर्म के लिए, तो मैं वो भी बताता हूँ, ये ऑर्डर कब के लिए, 7 अप्रैल 2022 से 9 मई तक ये लागू है, 2022 तक ये जो ऑर्डर है। और ये ऑर्डर में इसके बीच क्या है, ये प्रश्न क्यों उठ रहा है? इस बीच में महावीर जयंती है, 7 अप्रैल से बता रहा हूं मैं, इस बीच में महावीर जयंती, दुर्गा अष्टमी, रामनवमी, अंबेडकर जयंती, हनुमान जयंती, ये सारे जो है हिंदू त्यौहार इसी के बीच में आएंगे 9 मई की तक के बीच में। यहाँ तक कि इस सारे उसमें कहा गया है कि आप जो है अपने घर में धर्म ध्वज नहीं लगा सकते, आप जो है शोभा यात्रा नहीं दे सकते, तो ये सारे प्रतिबंध सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं के ऊपर थोपे गए, ऐसा तो मुगलों के शासन में भी नहीं हुआ। और एक ऑर्डर में और आपको आश्चर्यजनक बताऊं, वो निकालते हैं गहलोत सरकार एक ऑर्डर निकालती है कि साहब जो है रोजा चल रहा है इसलिए मुस्लिम बहुल इलाकों में बिजली की कोई कमी नहीं होनी चाहिए, कटिंग नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही आपने ये कहा, हमें भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्या रामनवमी या अन्य त्योहारों में, हिंदू त्योहारों में, उसमें जो है हिंदू बाहुल क्षेत्रों में नहीं होना चाहिए, ये क्यों नहीं लिखा आपने? केवल मुस्लिम तुष्टिकरण आपको करना है, केवल वहां पर सांप्रदायिक हिंसा भड़काना है, इसलिए आप ये ऑर्डर निकालते हैं कि केवल जो मुस्लिम बाहुल इलाके ऑर्डर कह रहे हैं, ये जोधपुर का ही ऑर्डर है और ये पूरा ऑर्डर जो है मैंने पढ़ा भी था, ऐसे बहुत से मुस्लिम मोहल्ले हैं वहां पर, शायद उन्हीं को संज्ञान में लेते हुए मुस्लिम मोहल्लों पर तो उन्होंने बिजली में कोई कटौती नहीं होनी चाहिए ऑर्डर दे दिया, जबकि ये नवरात्रों का समय था, उस वक्त हिंदू भाई बहन भी व्रत रखते हैं, उनके लिए भी सेम लागू किया जा सकता था। लेकिन बहरहाल ये पक्षपाती रवैया है, इसलिए मीनाक्षी जी मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये जानबूझकर, और ये आपको ये भी बताना चाहता हूं कि ये जो मैंने पीपुल फ्रंट ऑफ इंडिया की जो चर्चा किया, इसमें जो लिखा है पीपुल फ्रंट ऑफ का लेटर, इसके पीछे की भी एक साजिश समझिए। एक साथ रामनवमी के दिन में 12 राज्यों के अंदर में राम हिंसा होती है अलग अलग क्षेत्रों में, और इसको मैं आपको एक संयोग ही आप इसको समझ सकते हैं कि 8 अप्रैल को राहुल गांधी शरद यादव से मिलते हैं, बाहर निकलते हैं और एक बयान देते हैं,
वो कहते हैं कि पूरे देश को, जो ओबीसी साहब का भी बयान रहा है लगभग उसी तरह का, कि देश जो है अलग अलग समुदाय के हिस्सों में बढ़ गया है, आने वाले समय में देखिए कैसे हिंसा होती है, ये बात कहते हैं और रामनवमी में हिंसा हो जाती है लगा 12 राज्यों में। इस बात को मैं क्यों दोहरा रहा हूं, एक 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 बात 30 सेकंड में खत्म करता हूं। ये बात मैं क्यों बोल रहा हूं कि इसको मैं कोट क्यों कर रहा हूं 8 अप्रैल को, इसलिए कोट कर रहा हूं कि याद रखिए 14 दिसंबर 2019 को इसी दिल्ली के रामलीला मैदान में भारत बचाओ रैली किया था कांग्रेस ने, ये सीए कानून के अगेंस्ट में था। मैं उस समय भी राहुल गांधी ने यही बात बोली थी, यही बात बोली थी कि मुसलमान भाइयों को कहा था कि सड़कों पर उतर जाओ सीए के विरोध करने, और 15 तारीख को पूरे इसमें दिल्ली में दंगे हुए। ओपी सिंह जी हमारे साथ पूर्व डीजीपी जुड़े हुए, मैं इससे पहले की कोई पॉलिटिकल राय लूं, ये तो स्पष्ट है जिस बात के लिए डीजीपी ने ऑर्डर निकाल दिया कि आपको अति संवेदनशीलता बरतनी होगी और क्या क्या चीजों का इस्तेमाल करना होगा वो तक बता दिया, उसके बावजूद ऐसी हिंसक घटना घटी और फिर इस पर सियासत का आरोप अगर लगाए कांग्रेस पार्टी या कोई भी दल सियासत का आरोप लगाए तो ये तो बड़ा हैरान कर देने वाला है। बिल्कुल मीनाक्षी जी, ये बहुत हैरानी की बात है कि जिन 5 या 6 स्टेट्स में इस प्रकार के कॉमनल राइट्स हुए हैं, और मैं समझता हूं कि ये एक पैटर्न की तरह हुआ है जिसमें बहुत ही सिस्टमैटिक ढंग से, जिसमें प्रोवोकेटिव स्पीचेस या प्रोवोकेटिव एक्शंस के द्वारा किया गया है। मैं समझता हूं कि किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए उसका अलर्ट होना, उसका प्रेजेंट, विजिबली प्रेजेंट होना और अनबायस्ड अप्रोच रखना, ये बहुत जरूरी है। हमने उत्तर प्रदेश में भी देखा इतने सारे फेस्टिवल्स हुए, और फेस्टिवल्स जैसा कि बीजेपी के हमारे प्रवक्ता कह रहे हैं, कई ऐसे मौके आते हैं जिसमें दोनों संप्रदाय के लोगों की के पर्व मनाए जाते हैं। मुझे याद है कांवड़ यात्रा भी हमने किया और उसी समय बकरीद भी हमने किया, और हमने इस बात को सुनिश्चित किया कि हमारे जितने भी ऑर्डर्स, रेगुलेटरी ऑर्डर्स हो या प्रिवेंटिव ऑर्डर्स हो, वो इस प्रकार का हो कि किसी भी संप्रदाय को हर्ट नहीं करे। और इसमें एडमिनिस्ट्रेशन की भूमिका जो है बहुत ही उचित रहती है, सरकार की भूमिका बहुत अच्छी रहती है, और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य में जहां लगभग 34-35 हजार प्रोसेशंस हर एक वर्ष निकाला जाता है, और इस बार भी रामनवमी में 800 प्रोसेशंस एक दिन में निकाले गए, लेकिन वहां पे बिल्कुल नियंत्रित ढंग से सब किया गया क्योंकि वहां का एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो निष्पक्ष था और चौकन्ना था। तो मैं समझता हूं कि किसी भी इन सब चीजों में जहां कॉमनल टेंशन की बात होती है, वहां प्रोवोकेटिव बातें होना, प्रोवोकेटिव स्पीचेस होना या प्रोवोकेटिव एक्शन होना, आशंका बनी रहती है। और ये आशंका होने के बावजूद, ऑर्डर्स आने के बावजूद, अगर करौली में इस चीज पर अगर नियंत्रण नहीं रखा गया तो ये सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन का क्लियर फेलियर है, वो दिखाई दे रहा है सिंह बकार जी। और इसीलिए ये आरोप भी लग रहा है कि गहलोत सरकार पक्षपात ही तरीके से इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है, पुलिस बहुत ढीले तरीके से कार्रवाई कर रही है। करौली के लिए जब डीजीपी ने आदेश दे दिया कि आपको अति संवेदनशीलता बरतनी होगी, इसके बावजूद वहां पर इतना बड़ा दंगा भड़क गया, गलती किसकी? गहलोत सरकार की, गहलोत सरकार की पुलिस की, गहलोत सरकार की जो इंटेलिजेंस थी उसकी फेल्यूर की, और गहलोत सरकार की जो पिछली सरकार थी उसमें भी दंगे हुए थे जब ये पहले मुख्यमंत्री बने थे और मस्जिदों में कुरान करीम तक जलाए गए थे। तो चाहे वो गहलोत हो चाहे कोई हो, अगर दंगा रोकने में नाकाम साबित होता है तो जिम्मेदारी भी उसी की होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिन जिन प्रदेशों में, चाहे वो गहलोत हो चाहे शिवराज हो, कोई भी हो, सरकार की नाकामी है। और मैं समझता हूँ कि वैसी साहब ने बिल्कुल ठीक कहा है कि सरकार की मर्जी से ये दंगे हुए हैं, सरकार चाहती तो रोकती, लेकिन सरकार ने दंगे चाहे इसलिए दंगे हुए। सरकार दंगे कराना चाहती थी इसलिए ये दंगे हुए। विष्णु जैन इसमें अपना पक्ष रखना चाह रहे हैं। विष्णु देखिए मीनाक्षी जी, मैं तो अभी असीम भाई की बात सुन के बड़ा शॉक्ड हूँ
कि सरकार दंगे कराना चाहती थी तो सरकार ने वहाँ पे जो पेट्रोल बम्ब है, जो पत्थर है, सबके जाके छतों पे रख दिए कि जब यहाँ से शोभा यात्रा निकले तो आप पेट्रोल बम और पत्थर फेंकेगा। सरकार ने वहाँ पे जाके चाचा और जितने लोग हैं सबको बताया कि आप लाठी डंडे लेके जब शोभा यात्रा निकले तो इन लोगों को मारिएगा। सरकार ने मुस्लिम समुदाय के लोगों को भड़काया कि जब शोभा यात्रा निकले तो इनकी गाड़ियाँ जला दीजिएगा और जितना घायल कर सकते हैं घायल करिएगा। ये कैसी बात कर रहे हैं? ये सरकार की वजह से नहीं हुआ है मीनाक्षी जी, आई एम सॉरी। और ये जो है अपनी ये जो कम्युनल बात है उसको सरकार के ऊपर असीम भाई ना डालें। अगर ईमान है, यकीदा है तो ये बात माने कि जो वहाँ पे दंगा हुआ है जिसमें बहुत ज़्यादा हिंदू समाज के लोगों को क्षति पहुँची है, ये इनका इस समाज के प्रति, एक समाज के एक वर्ग के प्रति इनकी जो भड़काऊ बातें हैं जो इनके पार्टी के नेता बराबर करते चले आ रहे हैं, इनका जो विद्वेष फैलाने का काम है समाज में, ये उसका परिणाम है। सरकार, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सरकार निर्दोष है, सरकार भी दोषी है, पर सारा का सारा दोष सरकार पे ठेल देना और अपनी गलती से छुपा लेना मुझे लगता है बहुत गलत है। इसमें मुस्लिम समुदाय बातें कहाँ हो रही है? देखिए आज एमपी एमएलए कोर्ट ने बोल दिया ना कि अकबरुद्दीन ओवैसी के खिलाफ सबूत नहीं है, उन्हें बरी कर दिया गया। मैं उस पर भी आ रहा हूँ। सबसे पहली बात, जहाँ पे ओवैसी साहब की एक्विटल का सवाल है, आज आपके चैनल पे बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ हम इसके खिलाफ अपील फाइल करेंगे। ये गलत ऑर्डर है और सीआरपीसी का सेक्शन 372 हमें ये राइट देता है कि अगर कोई गलत एक्विटल हुआ है तो जो विक्टिम है उसके खिलाफ अपील फाइल कर सकता है और हम अपील फाइल करेंगे। और ये जो एक्विटल हुआ है ये लैक ऑफ एविडेंस के बेसिस पे हुआ है कि सबूत नहीं थे। वहां पे प्रोसिक्यूशन करने की जिम्मेदारी किसकी थी? वहां के राज्य सरकार की थी। और ये मतलब इससे अच्छा था राज्य सरकार ने ये जो ड्रामा किया प्रोसिक्यूशन का 8-9 साल करने का, इससे अच्छा था सेक्शन 321 में एक्विट कर देते, जैसे अखिलेश सरकार ने आतंकवादियों को छोड़ने का निर्णय लिया था वैसे ही निर्णय ले लेते। ये इतना बड़ा ड्रामा करने की लोगों के सामने क्या जरूरत थी? और ये राज्य सरकार की विफलता है, पूरा का पूरा फेलियर है प्रोसिक्यूशन मशीनरी का। और आपके सामने एक लॉयर होने के नाते ये मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि इसके खिलाफ अपील फाइल होगी और वहां से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ये जो ओवैसी ने हमारी देवी देवताओं के खिलाफ और समाज में विद्वेष फैलाने का काम किया है उसके खिलाफ अपील फाइल करेंगे। ठीक, हमारे साथ राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष सतीश पूनिया जी जुड़ गए हैं। स्वागत है सतीश जी आपका इंडिया टीवी पर। सबसे पहले तो मैं फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन जरा दर्शकों के लिए चाहती हूँ। आप लोग इस मामले पर लगातार अपनी नजर बनाए हुए हैं। करौली हिंसा मामले में अभी तक कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं? अभी तक जो करौली की पुलिस है, राजस्थान पुलिस है, उसका एक्शन का तरीका क्या रहा? देखिए, पहली बात तो ये जब जुलूस निकला ये कोई नई बात नहीं थी। पूरे देश में, प्रदेश में हिंदू नववर्ष पे जुलूस निकलता है, परमिशन से निकलता है। दो दिन पहले सीएलजी की मीटिंग हुई थी, उसमें जो मतलूब अहमद पार्षद है कांग्रेस समर्थित, उसने ये एश्योर किया था कि जुलूस निकले हम उसको पूरे तरीके से शांति से निकलवाएंगे, हमारी जिम्मेवारी है। जुलूस निकलता है, आधे रास्ते जाता है, उसके बाद पथराव होता है और लोग चोटिल होते हैं। एक व्यक्ति जिंदगी और मौत से संघर्ष अभी भी कर रहा है। एक उसके बाद एक पीएफआई की चिट्ठी जारी होती है कि इस तरीके की कोई ना कोई आशंका है। तो ये पीएफआई को कैसे पता लगा कि ये इस तरीके से पथराव होगा, इस तरीके घटनाएं घटित होंगी? तीसरी बात, पुलिस की जो एफआईआर है उसमें साफ लिखा है पुलिस के जिम्मेवार अधिकारी ने कि जो जुलूस था वो शांतिपूर्वक निकल रहा था और अचानक पथराव शुरू हुआ। छतों पे टनों पत्थर कैसे आए, कोई ड्रोन से उसकी जानकारी नहीं ली गई। जुलूस के में डीजे बज रहा था तो पुलिस ने उसको रोका क्यों नहीं? केवल कुछ पुलिस के लोग क्यों थे? दुकानों में लूटपाट कैसे हुई? मोटरसाइकिलों में आगजनी कैसे हुई? ये सारी सीक्वेंस है जो ये लगता है कि इसमें कोई ना कोई पूर्व नियोजित ये था कि जुलूस निकालें और उसके बाद इस तरीके का हमला करें। उसके बाद 7 परिवारों का पलायन होता है, उससे पहले 195 परिवारों का पलायन हो चुका। तो कुल मिलाकर ये बानगी राजस्थान के सरकार की, मुख्यमंत्री जो गृह मंत्री भी हैं उनकी कानून व्यवस्था का एक नजरिया है। वो हिजाब के मसले में कोटा में इसी तरीके से कोरोना का प्रोटोकॉल तोड़कर पीएफआई को हिजाब के मसले में रैली की इजाजत देते हैं, उस पर हथियार लहराए जाते हैं। तो ये जो दोहरा चरित्र है, तुष्टिकरण का, अपीजमेंट का, वोट बैंक की पॉलिटिक्स का, इससे सरकार, मुख्यमंत्री गहलोत बच नहीं सकते। लेकिन सतीश जी, हमने असदुद्दीन ओवैसी को भी सुना और कई और नेताओं का भी ये मानना है कि दरअसल वो एक चुनावी राज्य है,
इसलिए वहां पर इस तरीके की पूरे सुनियोजित तरीके से दंगा भड़काने की साजिश हो रही है। अशोक गहलोत का एक बयान हमने देखा, उसमें उन्होंने कहा कि क्योंकि विरोधी ये बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे हैं कि हमारे राज्य में इतने शांतिपूर्ण तरीके से रामनवमी की शोभा यात्रा क्यों निकाल ली गई, इसलिए ये हिंसा को भड़काया गया, ये साजिश है। देखिए, चुनाव तो 2 साल दूर है और केवल ये नहीं है, 17 जिलों में 144 लगाई, 107 और 16 की कार्रवाई हिंडोन के 1400 लोगों पर हुई, राजस्थान के हजारों लोगों पर हुई है। तो इसका कोई जवाब नहीं है, केवल इसके लिए 108 की देशद्रोह तक की कार्रवाई जयपुर के कार्यकर्ताओं पर हुई है। तो कुल मिलाकर अपीजमेंट के लिए, खुश करने के लिए कांग्रेस ने ये सारी चीजें की है। कांग्रेस इससे बचना चाह रही है, पर इस पाप से, आरोप से बच नहीं सकती है। ठीक है, शादाब चौहान हमारे साथ पीस पार्टी के प्रवक्ता जुड़ गए। शादाब जी, सुन रहे हैं आप, 7 परिवारों ने पलायन कर लिया, कितने हिंदुओं का घर तबाह हो गया, कितने की रोजी रोटी छिन गई, ये वहां के करौली के हिंदू परिवारों की कहानी है। देखिए मोहतरमा, सबसे बड़ी परेशानी ये है कि जब भी कोई दंगे और फसाद इस देश में, हमारे भारत में होते हैं, हम उसको धर्म के चश्मे से देखने लगते हैं। सतीश जी को हिंदू परिवारों के साथ क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, इस सब की चिंता है। लेकिन ये और इनके एमपी तेजस्वी सूर्या आज वहां पर दोबारा नफरत भड़काने के प्रयास से यात्रा करने जा रहे थे। ये तेजस्वी सूर्या गुजरात क्यों नहीं जाते, मध्य प्रदेश क्यों नहीं जाते, जहां पर गुंडों की फौज ने मस्जिद पर झंडे लगाए। हम कह रहे हैं कि वायलेंस कभी भी होगा, उसमें देश का नुकसान होता है, और मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट क्या कर रही है, बिना अदालत को इन्वॉल्व किए, जुडिशियरी पे विश्वास किए बिना सतीश पूनिया जी ने कहा कि आज की तारीख में 7 हिंदू परिवार वहां से पलायन कर चुके हैं और बाकी पलायन की तैयारी में है, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए सतीश जी, ना तो डीजीपी है राजस्थान के और ना वहां के चीफ, वहां के जज हैं। इनका तो काम है कि कैसे महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी के मुद्दों को भटकाने के लिए नफरत को पैदा किया जाए। और जो दंगाई, अगर उनकी जांच होगी ना, जो नारे लगाते हुए निकल रहे थे, वो भी नहीं के पार्टी के निकलेंगे। दूसरी चीज, ये तो कहते थे कैराना में पलायन हुआ, लेकिन क्या रिपोर्ट क्या आई थी, पलायन नहीं हुआ। तो पलायन जैसा नाटक जो है, ये चुनाव के समय पर हर प्रदेश में जाकर भाजपा के लोग करने का प्रयास करते हैं। वो क्या ये कमजोरी नहीं है, आपकी बीजेपी की सरकार चंद दिन पहले वहां थी, वहां कैसे पलायन हो रहा है? पलायन एक नाटक है, पलायन एक नाटक है, ये एक चुनावी पैंतरा है, ये आपका आरोप है। मैं इस पर जवाब लूंगी। भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा ब्रेक, हो रहे हैं फौरन हासिल। केके शर्मा जी, अभी थोड़ी देर पहले एक आरोप लगाया शादाब चौहान ने, पीस पार्टी के प्रवक्ता, उन्होंने कहा कि ये जो बात सतीश जी कह रहे हैं, वो कोई वहां की पुलिस थोड़ी ना है या वहां की सरकार थोड़ी ना है, कौन सा पलायन हो रहा है, कैराना का पलायन भी वो एक झूठ और एक प्रोपेगेंडा बता रहे थे। शादाब चौहान कौन से न्यायाधीश हैं, ये जो कह देंगे वो भ्रम लग गया। शादाब चौहान ने इनका क्या लेना देना वहां से। दूसरी बात, इनको इस बात की जानकारी ही नहीं है कि राजस्थान में आज ये कह रहे हैं कि क्या करने गए वहां तेजस्वी सूर्या। तेजस्वी सूर्या जी आज जो वहां गए, इनको जानकारी होनी चाहिए कि पिछले 3 दिनों से लगातार वहां पर नेताओं का आना जाना लगा हुआ है। किरोड़ी में मीणा जी इसके पहले एक दिन गए थे, उसके बाद वसुंधरा जी गई थी, और वो इसीलिए आज जा रहे थे कि वहाँ जिन पीड़ितों के साथ में न्याय नहीं हो रहा है, जिन लोगों को वहाँ पलायन करने के लिए मजबूर किया जा रहा है, उनको विश्वास दिलाया जाए कि आप रुकिए, आपके साथ हम खड़े हैं, आपको पलायन करने की ज़रूरत नहीं है, हम लड़ेंगे आपके उसमें। और जिनको अपराधियों को अभी तक वहाँ पकड़ा नहीं गया है, जो फरार चल रहे हैं, जो मुख्य अपराधी है, उसको अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है राजस्थान सरकार द्वारा, आज 10 दिन से ऊपर का समय होते जा रहा है, वो वहाँ पर जाकर इस बात की मांग करना चाह रहे हैं। और उसमें जो है जाँच कमेटी बनी है, जाँच कमेटी भी जाना चाहती है, क्यों ना जाए वहाँ पर। तो इसलिए क्या है, इनको इस विषय की तो जानकारी ही नहीं है, यहाँ पर बैठ के ये जो है अपनी बातें यहाँ से चिल्ला रहे हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि एक बार भी इनकी जबान से ये नहीं निकला जो प्रश्न मैंने उठाए। मैंने जो प्रश्न उठाया कि जिस ढंग से गहलोत सरकार वहां मुगल का शासन चला रही है, मुगलों की शासन चला रही है, हिंदुओं पर लगातार अत्याचार कर रही है, हिंदुओं के साथ जो है भेदभाव कर रही है, और इस तरह के वहां पर नियम पारित किए जा रहे हैं कि आप अपने घरों में धर्म ध्वज नहीं लगा पाएंगे, आप भजन कीर्तन नहीं कर पाएंगे, आप शोभा यात्रा नहीं देख पाएंगे,
आपके मुस्लिम बहुल इलाकों को ही बिजली मिलेगी, उस पर इनकी जबानें बंद है बिल्कुल। ठीक है, असीम बकाया चीज से मैं पूछ लेती हूँ, क्योंकि उन पर तो इनको शुद्ध कर रहा है सब चीजें। आपको क्या लगता है कि ये सही तरीका है या गलत तरीका है कि अब कोई हिंदू धर्म को मानने वाला है या कोई जैन धर्म को मानने वाला है, वो अपने किसी तीर्थंकर का या हिंदू अपने घर के बालकनी पर अपने छत पर कोई धर्म ध्वज या कोई पताका लहराना चाहता है, इसमें आपत्ति क्या हो सकती है? देखिए, भारत जिस देश में हम रहते हैं ये मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का देश है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के शोभा यात्रा में जो जुलूस निकाले गए हैं, जो शोभा यात्रा निकाली गई है, उसमें लाउड स्पीकर बज रहे थे, उसमें गाने बज रहे थे। मेरा कोई इरादा किसी तरह की इश्तालंगेज बात करने का नहीं है, लेकिन अफसोस के साथ है, ऑफ द रिकॉर्ड जो मैं बोलने जा रहा हूँ वो पूरे हिंदुस्तान जानता है, आप भी जानती होंगी, सब जानते हैं, लेकिन मैं दिखाना नहीं चाहता ना दिखाऊंगा, लेकिन जो बोल रहा हूँ उससे सब एग्री करेंगे। जो शोभा यात्रा में लाउड स्पीकर बज रहे थे, सब जगह नहीं, लाखों जगह निकाली गई शोभा यात्रा, कुछ जगहों पर जो गाने बज रहे थे उनमें गालियाँ बकी जा रही थी। अगर फिर भी आप कहिएगा नहीं आपको नहीं पता है तो मैं आपको वो वीडियो भेज दूंगा। नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारी नजर में भी आई। नहीं पता था क्या बजेगा इंटेलिजेंस? अब आप ये बताइए, रामचंद्र पुरुषोत्तम राम श्री राम के जुलूस में क्या गालियों का कोई जगह है, गाली गलौज की जगह है? बिल्कुल कोई जगह नहीं है। मैं खुद बहुत प्रभु हूं, मैं हत प्रभु, मैं शर्मिंदा हूं कि भगवान कहे जाते हैं श्री राम, हिंदुओं की आस्था है, भारत में एक स्थान है उनका, और उनकी शोभा यात्रा में कौन लोग हैं जो गालियों के वीडियो बजाते हैं, गाने बजाते हैं? मैं समझता हूं यहां जितने हिंदू बैठे हैं वो भी मेरी बात से सहमत होंगे। बिल्कुल। अच्छा असीम बकाया जी, लेकिन मैं इसी में आपसे ये भी पूछना चाहती हूँ, बहुत गलत है जो सुन रहे हैं, जो लोग सुन रहे हैं। खुद आपकी बात से मैं पूरी तरह से समर्थन रखती हूँ। अब आप ये बता दीजिए कि गालियां बोलना, राम के नाम पर धर्म को बदनाम करना, ये बहुत गलत है, ये बहुत गलत परंपरा है। अगर कोई इसको आगे बढ़ाना भी चाह रहा है तो ये बहुत गलत है। लेकिन अब दूसरे पहलू की मैं बात करती हूँ कि छतों पर अगर बोरियां भर भर के पत्थर रखे हुए हैं तो ऐसा तो नहीं है कि ये कोई अचानक से हो गया कि अरे लोगों ने सुना कि ये तो गालियां बज रही हैं कि लाओ पत्थर इकट्ठे करो, इसको मतलब वहाँ पर पत्थर भी पहले से इकट्ठे थे, वहाँ पर दंगा फसाद फैलाने की भी पहले से तैयारी थी, ये तो एकाएक नहीं हुआ होगा ना? देखिए मैं आपको एक बात देता हूँ, आप न्यूज चैनल वाले लोग हैं, आपके पास आसाइश ज़्यादा होते हैं, यानी आसाइश मतलब सामान ज़्यादा होते हैं, आप पास ड्रोन भी होंगे, मेरे पास नहीं होंगे आप आदमी, आप एक काम कीजिए, एक मुहिम चलाइए, आप हिंदू मोहल्लों और मुस्लिम मोहल्लों, सरदार मोहल्लों, जो हम लोग के पुराने शहर हैं, मैं नए मोहल्लों की बात नहीं कर रहा हूँ, पुराने शहरों में आप ड्रोन उड़ाइए, तो 100 मकान में से मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ 15-20 मकान ऐसे होंगे जिन मकानों पर आपको अधे और गुम्मे इकट्ठा मिलेंगे, जबकि वहां कोई दंगा नहीं हुआ होगा, कोई लड़ाई नहीं हुई, कोई जुलूस निकल रहा होगा, पेट्रोल बम भी आ फिर भी होंगे। मैं बताऊं क्यों होता है ये पेट्रोल बम? बहुत से लोग मकान नहीं, मैं बता रहा हूं मैडम, कई बार ऐसा होता है लोग मकान बनाते हैं अपने, मकान बनाते हैं उसमें वो ईटा मंगाते हैं, मोरंग मंगाते हैं, बालू मंगाते हैं, तो वो सामान बच जाता है। ये मैं समझ गया, लोगों के पास जगह नहीं होती, गलियां पतली होती हैं, छोटे मकान होते हैं। मैं आपकी बात समझ रही हूं, ये होता है, इसमें कोई दो राय नहीं कि होता है, अगर 100 मकान होंगे तो हो सकता है 5 मकानों पर रखा हुआ होगा, लेकिन पेट्रोल बम भी आ जाए ये तो नहीं होता है, और इसलिए हैरानी होती है। ओपी सिंह जी, देखिए जो बात असीम बकाया जी ने कही कि ये भड़काऊ गाने बजाए जा रहे थे, अभद्र भाषाएं थी, गालियां गाई जा रही थी, ये तो कतई गलत है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन इसके जवाब में पहले से ही पेट्रोल बम का वहां पर मौजूद होना, क्या ये भी तैयारी पहले से थी? देखिए, जो मेरा अनुभव है पुलिस ऑफिसर के नाते 37-38 साल का, और मैंने उत्तर प्रदेश के बहुत ही संवेदनशील इलाकों में मैंने काम किया है,
जब इस प्रकार का कॉमनल डायनामिक्स होता है तो कई बार ऐसा होता है कि छोटी से छोटी घटना जो अनएंटिसिपेटेड होती है, जिसके बारे में हम कल्पना नहीं कर सकते हैं, और उसके कारण कॉमनल टेंशंस या कॉमनल राइट्स हो जाते हैं। और जब हम कॉमनल टेंशंस की बात करते हैं तो क्राउड मेंटालिटी बहुत बड़ी चीज होती है। कई बार ऐसा होता है कि क्राउड मेंटालिटी जो है बहुत स्पॉटिक घटना देती है और उसके कारण कॉमनल टेंशंस या राइट्स होते हैं। लेकिन यदि हम तैयारियों की बात करें और उन तैयारियों में हम देखें कि किस प्रकार का ट्रेंड निकल रहा है और किस प्रकार के पैटर्न्स निकल रहे हैं, किस प्रकार का कॉन्स्पिरेसी निकल रहा है, इस प्रेजेंट सिनेरियो में हमने देखा कि कई राज्यों में इस प्रकार के ट्रेंड्स निकले जो रामनवमी जुलूस में ही दिखाए। तो ये प्रोवोकेशंस जो है, मैं समझता हूं कि ये बहुत ही विचारणीय बिंदु है कि छतों पे पत्थर क्यों रखे गए, पेट्रोल बम्स क्यों रखे गए, क्यों इस प्रकार की तैयारी का अंजाम दिया गया, एडमिनिस्ट्रेशन क्यों नहीं इन सब चीजों को देखा। हमने सीए के प्रोटेस्ट में देखा कि पीएफआई के बहुत सारे ऑब्जेक्शनेबल मटेरियल्स हम लोगों ने सब सीज किया, डॉक्यूमेंट्स थे, डिजिटल एविडेंसेस थे, और उनके बदौलत हमने कई लोगों को अरेस्ट किया। क्या कारण था कि उत्तर प्रदेश के 23 जनपदों में इस प्रकार की घटनाएं हुई जिसमें इसका मतलब ये, यानी ओपी सिंह जी, कि ये मामला केवल धार्मिक नहीं है, ये किसी की केवल भावना को भड़काकर एक दंगे को अंजाम देना इसका लक्ष्य नहीं है, बल्कि इसका ये एक पूरा पैटर्न है, और इस पैटर्न के जरिए या तो कोई फायदा उठाना चाहता है या फिर कोई तो है ऐसा जो हिंदू मुस्लिमों के बीच में दूरी पैदा करके खुद उसका लाभ उठाना चाहता है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। जो चर्चा चल रही थी वो यही कि करौली हिंसा एक सुनियोजित साजिश थी या ये केवल एक धार्मिक उन्माद था जो दोनों तरफ की ओर से भड़का और जिसका नतीजा हम सब ने देखा। विष्णु जैन, देखिए जो बात ओपी सिंह जी ने कही ये बात सच है, उनका अपना अनुभव ये कहता है कि इसमें एक पैटर्न नजर आ रहा है और ये पैटर्न ये बताता है एक सुनियोजित तरीके से इस साजिश को अंजाम दिया गया है, ऐसा दिखाई देता है प्रथम दृष्टया। जो डीजीपी साहब ने बात कही वो बिल्कुल सही कही, और मैं आपके चैनल पे आज ये बात कहना चाहता हूँ कि जब इस चीज़ की जांच, आज लोगों ने कुछ मांग भी की है कि इसके एनआईए की जांच हो जो रामनवमी में दंगे हुए हैं, और जब इसकी एनआईए की जांच होगी, मैं आपके चैनल पे आज ये बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, पीएफआई का रोल सामने निकल के आएगा। और मीनाक्षी जी, एक बात और कहना चाहता हूँ, जो यहाँ पे अभी असीम भाई ने बड़ा उससे कहा कि भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम है और उनके ऐसे उनके जो फॉलोअर्स हैं उनके ऊपर शोभा नहीं देता है, तो मैं उनसे, मेरे बड़े हैं, सम्मानित हैं, पर मैं उनसे बहुत अदब से कहना चाहता हूँ, आप ही की पार्टी के लोग थे ना जिन्होंने राम मंदिर का विरोध किया था, ओवैसी थे ना जिन्होंने कहा था कि कयामत तक हम इस फैसले को नहीं मानेंगे, और आप यहाँ पे आज यहाँ पे ढोंग कर रहे हैं कि भगवान राम से इस देश का अस्तित्व है। ये तो हमें पता है भगवान राम से इस देश का अस्तित्व है, पर आप इसको नकारते रहे और आज यहाँ पे बैठ के कृपा करके ढोंग ना करें। शब्बे बारात में क्या होता है और मुहर्रम के जुलूसों में भी क्या होता है, कभी उसके वीडियो भी देख लीजिएगा। मैं इस चीज को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, जिन लोगों ने वहां पे गालियों का यूज किया उसका हम सब क्रिटिसाइज करते हैं, पर मैं ये आज असीम भाई से कहना चाहता हूं, कम से कम 10 मुस्लिम भाई मेरे निकल के आके उस जुलूस को रोकते और कहते भैया ये लीजिए पानी पीजिए, ठंडे हो जाइए, और कम से कम ऐसी भाषा का उपयोग ना करिए, तब इस देश का सौहार्द बना रहता, ना कि उनके ऊपर पेट्रोल बम फेंक के, ना कि उनके ऊपर पत्थर फेंक के। और कृपा करके, हम लोग भी सब बहुत समझदार हैं असीम भाई, आपकी राजनीति भी देख रहे हैं, आपकी पार्टी का मैनिफेस्टो भी देख रहे हैं, और कृपा करके अगर आप जितना राम को मानते हैं, आज इस चैनल पे आपको चैलेंज कर रहा हूं, अपनी पार्टी का संविधान जो आपने इलेक्शन कमीशन में दिया है जरा मीनाक्षी जी के सामने पढ़ के बता दीजिए, और मैं मान जाऊं कितना भगवान राम को मानते हैं या उनके अस्तित्व को मानते हैं, एक बार पढ़ दीजिए जरा, एक बार पढ़ दीजिए, जो आपके छोटे भाई ने, जो ओवैसी के छोटे भाई ने हमारी बाग कौशल्या के बारे में कहा था पूरे हिंदू समाज को पता है। इसलिए ये ढोंग असीम भाई हम लोग के सामने मत रचिए, जो गलतियां हुई उसको हम मानते हैं, हमारे अंदर ये यकीन है कि हम अपनी गलतियों को मानते हैं, हमारे भाइयों ने अगर अपशब्द का प्रयोग किया है तो उसके लिए विष्णु शंकर जैन और यहाँ पे जितने हिंदू भाई बैठे सब माफी मांगेंगे, पर जो शब्बे बारात में होता है, जो मुहर्रम के जुलूस में होता है, क्या उसके लिए आप माफी मांगेंगे? क्या जो दंगे करते हैं आप उसके लिए माफी मांगेंगे? आपने तो एक भी शब्द इसके लिए नहीं बोला जो दंगे हुए, पेट्रोल बम फेंके गए, 47 लोग घायल हो गए, आज भी जो मुख्य आरोपी है वो फरार घूम रहा है, उसके लिए आपने एक शब्द भी नहीं बोला। पर आपको इस पूरी चीज में जो हिंदू भाइयों ने जरा सी गालियां यूज की हो, पता नहीं, मैंने भी वो वीडियो नहीं देखा, पर अगर अज्यूम भी कर लेते हैं अगर यूज की, तो आपको पूरी घटना में वही दिखा,
तो इसका कारण यह है कि आपकी पूरी पार्टी की जो लाइंस है वो कम्युनल है और आप इस देश में सेकंड मुस्लिम लीग हैं, ये हम सबको पता है। दरअसल वो एक धुरी पर लेकर आना चाह रहे हैं इस चर्चा को कि आप लोगों की आदत हो गई है विक्टिम कार्ड खेलने की, जबकि सच ये है कि पलायन करने वाला हिंदू भी है, दुकान जली जिसकी उसमें हिंदू भी शामिल है, जिसका घर लुटा उसमें हिंदू भी शामिल है। देखिए विष्णु जैन साहब वकील हैं, मुझसे बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, मैं तो इनसे बहुत कम पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन अफसोस इस बात का हुआ कि एक पढ़ा लिखा आदमी जो सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर बहस करता है, वो कह रहा है ज़रा सी गालियाँ बकी। मुझे हंसी इस बात पे आई, एक काबिल तरीन आदमी कह रहा है कि अगर ज़रा सी गालियाँ बकती। मैं कुछ और कह रहा हूँ सर, सुनिए, देखिए मैंने हंसी इस बात पे आई कि मैं तो आपको कह रहा हूँ आप मुझसे बहुत काबिल हैं। दूसरी बात, मैंने शुरू में कहा था कि अगर किसी के पास वीडियो नहीं होगा तो मैं पर्सनली भेज दूंगा। दूसरी बात, आपने कही कि रामनवमी जुलूस में पानी, मैं जहाँ रहता हूँ लखनऊ में, मेरा पुराना इलाका है, मेरे दाहिने हाथ भी हिंदू मोहल्ला है, बाएं हाथ भी हिंदू मोहल्ला है, मेरे पीछे भी हिंदू मोहल्ला है और सामने भी, रामनवमी का जुलूस निकलता है हमारी, क्या मैंने एक प्रथा शुरू की है सर, आइएगा आपकी, अब की आपको चीफ गेस्ट बनाऊँगा, जब हमारे घरों के पास वो यात्रा पहुँचती है तो हम लोग ठंडे जूस और ठंडे पानी की बोतलों से और फूलों से स्वागत करते हैं उसका। यह है हमारा भाईचारा सर, वहाँ हमको किसी विष्णु जैन की ज़रूरत नहीं है सर, क्योंकि मुझे पता है कि जिस दिन विष्णु जैन जैसे लोग आ जाएंगे उस दिन ये भाईचारा ख़त्म हो जाएगा। तीसरी बात, मेरी बात कट गई थी, मेरी बात कट गई सर, सुनिए सर, सर सर सुनिए सर, बात मेरी कट गई थी उस वक्त मीनाक्षी जी ने, मैंने ये कहा था कि अगर पेट्रोल बम आए पहले से रखे थे, ये किसका फेल्यूर है, डीजीपी साहब बैठे ओपी सिंह साहब, जितना मुझे जानकारी है कि आप लोग पुलिस में हैं, आपके यहाँ एक होती है लोकल इंटेलिजेंस यूनिट LIU, एक होती है CID, इनके काम ये होते हैं कि किन इलाकों में वारदात होने वाली है, क्या तैयारियाँ हैं, कौन आया है, कौन गैंग चला रहा है, कौन आतंकवाद में लिप्त है, इसकी पूरी जानकारी पुलिस को उस LIU से मिलती है। तो क्या ये बता दीजिएगा एक बार, क्या ये LIU का फेल्यूर नहीं है? नहीं बिल्कुल है, वो तो ओपी सिंह जी ने शुरुआत में ही बोली, सरकार अगर मैं कह रहा हूँ कि दोषी है वो पुलिस दोषी है, पहली बात तो कहाँ से गलत नहीं, ओपी सिंह जी ने पहली बात ये कही थी असीम बकाजी, अभी पेट्रोल बम होना और बोरियों के अंदर पत्थर होना, इसकी पूरी जानकारी वहाँ की लोकल इंटेलिजेंस यूनिट को जरूर होगी और वहाँ की DGP ने कई दिन पहले ही इस बारे में इत्तला SP को दे दी थी, करौली SP को दे दी थी, उसके बावजूद ये होने दिया गया। इसी बात पर हैरानी। एक मिनट में KK शर्मा जी का भी इसमें पॉइंट ले लूं। हाँ शर्मा साहब आप बताएं आपका इसमें क्या पॉइंट। एक मैडम एक बात और बोल दे, मैं दो बात कहता हूँ, मैं दो बात कहती हूँ, वकार साहब यदि बात पूरी हो गई हो उनके सेवा भाव की तो मैं आगे बढ़ता हूँ। देखिए उन्होंने ठीक कहा कि उसकी जानकारी यदि पत्थर रखे हैं और यदि पेट्रोल बम रखे हैं तो पुलिस की फेलवर हो गई, लेकिन उस रखने वाले का कोई दोष नहीं है, रखने वाला तो बहुत ईमानदार आदमी है, उसने बड़ी ईमानदारी से पेट्रोल बम बना के रखा है, उसका कोई दोष नहीं है, वो फेलवर हो गई। लेकिन यदि मान लो DJ में कोई गलत गाना चल गया तो वहां तो पुलिस भी है, 2 मिनट में उसको बंद भी करा सकती है। फिर आपने कहा बिल्कुल सही, उसको बंद करा सकती थी पुलिस वहां पर कि भाई आप ऐसा गाना नहीं चला सकते, और कराना ही चाहिए, यदि ऐसा हुआ तो बिल्कुल होना चाहिए, मैं उसका बिल्कुल समर्थन नहीं करता, वहां पर पुलिस को एक्शन में आना चाहिए था, तुरंत गाने को बंद कराना चाहिए था और ऐसी कोई घटनाक्रम नहीं होने देना चाहिए था। लेकिन ये जानकारी ऑलरेडी है, मैं इसमें मीनाक्षी जी एक बात और कहना चाहता हूं, ओपी यहां सिंह साहब बैठे हैं, कई बार होता क्या है कि ऊपर से इनको जानकारी तो सब कुछ मिल गई पर सरकार का एक्शन क्या है उसमें, यदि सरकार उस चीज को चाह रही कि हाँ दंगा हो तो वो एक्शन नहीं होने देगी, तो ऑलरेडी वो रिकवर करेगी नहीं, रोकेगी भी नहीं,
और वो चाहेगी कि ऐसी स्थिति बने और दंगा वहां हो। लेकिन एक बात और मैं कहना चाहता हूं वकार साहब को, उन्होंने बड़ा धार्मिक एंगल लिया, बिल्कुल ठीक कहा, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के यदि जन्म के अवसर पर कोई रैली निकल रही है और उसमें कोई गलत बातें हो रही हैं तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, हिंदू भावना के अनुसार बिल्कुल यह गलत है, इसकी हम निंदा करते हैं। लेकिन वकार साहब, ये रमजान का दिन चल रहा है, आप रोजा रखते हैं, मुस्लिम भाई भी रोजा रखते हैं, आप सुबह से जब पानी तक नहीं पीते, आप जो है थूक तक नहीं निकलते हैं, उस समय आपकी जबान में अध्यात्म होता है, ध्यान होता है और अल्लाह की, इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि शर्मा साहब की गलती तो दोनों तरफ अल्लाह आपको इस बात की, अल्लाह आपको इस बात की इजाजत देता है कि आप निहत्ते लोगों के ऊपर पत्थर मार के नहीं, नहीं, मैं वही वही मैं आपसे कह रही हूँ, ये अल्लाह की इबादत है या ये मुझे बताइए उन कट्टरपंथी मौलियों की है कि आप जो है ये काफिर निकल रहा है इन्हें मार डालिए। ठीक, ये आपके अंदर जो कट्टरपंथी मानसिकता जो था, वकार जी, विष्णु जैन जी, ओपी सिंह जी, मेरे पास समय इतना ही था, ये बात तो साफ नजर आ रही है कि जो कुछ भी हुआ एक पैटर्न के तहत हुआ है। अब इस पैटर्न में किसकी गलती है, पुलिस की नाकामी तो साफ साफ नजर आ रही है, लेकिन सरकार क्या कर रही है, सरकार का प्लान ऑफ एक्शन क्या है, वो भी इस वक्त सवालों के कटघरे में है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।